दोस्तों, इंट्रो टू कंप्यूटर के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, आईपीयू सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, कैसे एक नॉर्मल से डेटा को प्रोसेस करके उसको सूचना में कन्वर्ट कर देता है, उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें रिजल्ट के फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जानेंगे क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टूडियो सीरीज वाला सौरभ में। मेरा नाम है सौरभ, तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक नहीं दोनों ऐसे न जाने कितने स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को एक ह्यूमन बीइंग से अलग बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं कौन से हैं फीचर्स जिनके इस्तेमाल से हम अपने बड़े बड़े कामों को आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला कंप्यूटर का फीचर है स्पीड। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम काफी हाई स्पीड से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, उसमें कैलकुलेशंस करता है। तो दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और दोस्तों इसके साथ में और कुछ नंबर्स हैं जो कि 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे कोई बोलता है कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मली तो कुछ 5 से 10 सेकंड तो लग ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यही कैलकुलेशन अगर आप अपने कंप्यूटर पर इनपुट करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको आउटपुट मिलने में सिर्फ उतना ही टाइम लगता है जितना कि आपको नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने में लगता है। और दोस्तों, कंप्यूटर के इसी फीचर के कारण जिसे हमने स्पीड का नाम दिया है, इसके चलते हम अपने कंप्यूटर में बड़े बड़े ऑपरेशंस को चुटकियों में परफॉर्म कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने कार्यों को कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास फीचर है, उसका नाम है एक्यूरेसी, जिसे हम लोग हिंदी में शुद्धता बोलते हैं। आप दोस्तों, आप पूरे दिन भर में न जाने कितने ही काम करते हैं और दोस्तों ऐसे कामों को करते हुए आपसे न जाने कितनी ही गलतियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इनकेस आप बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो आपका कंप्यूटर बिना थके बिना रुके अपने काम को पूरी एक्यूरेसी के साथ करता रहता है और दोस्तों इसके साथ में आपको जो रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेट देता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको जो कंप्यूटर ने आउटपुट दिया है तो वो गलत है, तो दोस्तों ऐसे में गलती कंप्यूटर की नहीं होती, वहां पर आप ठीक से जांचिएगा। तो वहां पर जो डेटा आपने इनपुट किया होता है उसी में दोस्तों आपने गलती की होती है, जो भी गलती होती है वो यूजर की होती है, वहां पर कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। और दोस्तों, कंप्यूटर के इस एक्यूरेसी के फीचर की वजह से हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस के रिजल्ट को आसानी से मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट फीचर पर। अब दोस्तों, इसके बाद में जो हमारे पास फीचर है उसका नाम है रिलायबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में सार्वभौमिकता कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर मल्टीपल टास्किंग करता है या फिर मल्टीटास्किंग करता है, इसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आप अपने कंप्यूटर से कई तरीके के कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, बैंकिंग के लिए, अपने स्कूलिंग वर्क के लिए या फिर दोस्तों अपनी ऑफिस के लिए, शॉपिंग के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज यानी कि मूवी बनाने के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके चलते हम अपने कंप्यूटर में कई सारे कार्यों को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एक्यूरेसी का फीचर भी आपने नोट किया है और स्पीड का फीचर तो आपने देख ही लिया है। और दोस्तों, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। अब दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास फीचर जिसे हम लोग डिलीजेंस बोलते हैं और इसे हिंदी में कर्मठता बोलते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप पूरे दिन में ना जाने कितने ही कार्य करते हैं और दोस्तों उन कार्यों को करने के बाद आप थक जाते हैं, आपको थकान फील होती है। लेकिन दोस्तों, इनके साथ बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा आपके कंप्यूटर में ऐसी रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप कंप्यूटर पर बिना रुके बिना थके लगातार वर्क कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर आपको लगातार आउटपुट देता रहता है। और दोस्तों, इसके चलते आप अपने कंप्यूटर पर अपने कार्यों को बड़ी आसानी से बड़े कम समय में कर सकते हैं और इसके चलते आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका कंप्यूटर जब बिना थके बिना रुके कार्य करता है, इसके बावजूद भी आपका कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है, पूरी एक्यूरेसी के साथ अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और आपको कम समय में सही आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारे पास फीचर है वो है कंप्यूटर स्टोरेज को लेकर। और दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में भंडारण क्षमता बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में काफी ज्यादा स्टोरेज होती है, जिसके चलते आप अपने कंप्यूटर में काफी डेटा को सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें लोड कर सकते हैं, चाहे तो डेटा को ऐड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, उसकी कैपेसिटी 320 GB से लेकर 1 TB तक रहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने लास्ट फीचर के बारे में, जो कि इसका ऑटोमेशन, जिसे हम लोग हिंदी में स्वचालन बोलते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर आप अपने डेटा को इनपुट कर देते हैं तो इसके बाद में आपको केवल डेटा को इनपुट करना है, प्रोसेसिंग करना है, इसमें जो भी आउटपुट आपको देना है वो सारा का सारा वर्क आपका कंप्यूटर खुद से करता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को एक बार अगर लोड कर दिया जाता है तो उसके बाद में इसमें होने वाले ऑपरेशंस उसमें ऑटोमेटिकली होते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और जो भी काम करना रहता है वो कंप्यूटर खुद से करता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपको अपने डेटा को इनपुट करना है और उसके बाद में आउटपुट लेना है, और इसके बीच का जो सारा ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे इसको मैनिपुलेट करना है, कैसे उसमें ऑपरेशंस को डील करना है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट हमारा कंप्यूटर सिस्टम खुद से करता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो से जुड़े आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो के बारे में आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स और वीडियो के बारे में आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज द वॉइस जेस वाला, ओवर एंड आउट।